हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो रेनो 12 प्रो में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल साउंड। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलती तो आपको ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है, एडिट टाइल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन ढूंढ लेनी है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन ढूंढने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, और यहाँ पर आपको इसे स्टार्ट करने की ऑप्शन भी मिल जाएगी और स्टार्ट करने के बाद ऑफ करने की ऑप्शन भी मिल जाएगी। और अगर आपको इसकी सेटिंग्स करनी है तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शन है, माइक से साउंड रिकॉर्ड करने के लिए भी ऑप्शन है। यहाँ से दोनों को एक साथ भी ऑन कर सकते हैं और भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं।